नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 20 का भाई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 ये कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, माने लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। अब यहाँ पे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया गया है, मतलब सलाम है बी.आर. राव अम्बेडकर जी का, मैंने जितने भी लोग इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं, ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये अधिकार हमें लाइफ में कुछ अधिकार दिए गए हैं, पर्सनल लिबर्टी में दिए गए हैं। तो मैं दोनों को ही धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप समझेंगे कैसे बी.आर. राव अम्बेडकर जी ने कितना शानदार एक आकार दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। लाइफ में हमें सबसे पहले इन्वायरमेंट आता है। अब आप ये कहेंगे कि इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे पॉल्यूटेड गैस हो गए हैं, गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, प्लांट चलते हुए, तो ये सबका एक ही नियम है, ये आर्टिकल 21 के ही अंडर आता है कि आपका देखेंगे गाड़ी चलाने के टाइम पे ये पोल्यूशन टेस्ट होता है, इसी वजह से पोल्यूशन टेस्ट कराना पड़ता है। जो गाड़ी BS6 की है, टू व्हीलर के बारे में बात कर रहे हैं, जो गाड़ी BS6 की है उसका एक साल का भी पोल्यूशन हो रहा है, जो BS4 का है वो 6 महीने का हो रहा है, उसके नीचे जितने हैं सब 6 महीने के हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान देता है एनवायरमेंट में। अब सुसाइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुसाइड ये कह रहा है कि 309 में सुसाइड दिया गया है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लाइफ इन्वॉल्व, मतलब आप खुद नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ को आप खुद ले सकते। आप अगर मर गए तो ठीक है, चलिए आप मर गए, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मरने गए और आप बच गए तो आप दोषी पाए जाएंगे 309 के अंदर में, और आपको इसकी सजा दी जाएगी कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते। राइट टू लीव के अंदर ये सेक्शन आता है। अब यहाँ पर हेल्थ है, जैसे कि हमारा हेल्थ को गवर्नमेंट हेल्प करती है, जैसे अभी कोरोना काल में करोड़ों लाखों करोड़ों का खर्चा आया, तो आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपसे खर्चा नहीं लिया गया, ऑक्सीजन का खर्चा नहीं लिया गया, आपका टीका जो लग रहा है अभी कोरोना डोजेस जो लग रहे हैं वो भी फ्री के लग रहे हैं ज्यादातर एरिया में, अगर आप गवर्नमेंट जाते हैं, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में। तो ये गवर्नमेंट पूरा अपने हिसाब से ही देखती है कि ये गवर्नमेंट, जैसे अभी आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं जब आप बच्चे थे, फिर आप पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं, ये सारे चीज फ्री के हैं, ये सब एक एक इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं, 1,000-2,000 के आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको फ्री देता है आर्टिकल 21 की वजह से। मतलब सोचिए बी.आर. राव अंबेडकर जी कब की बात कब सोच रहे थे, जब हमारा देश पोलियो फ्री नहीं हुआ था, तब हम आज 2021 में, मतलब 1950 से लेके 2021 का एक बड़ा पीरियड, उसके बाद भी ये फंडामेंटल राइट हम लोग को मिला हुआ है सिर्फ और सिर्फ बी.आर. राव अंबेडकर और जितने लोग सभा में थे, जिन लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक तनिक सा भी हेल्प किए हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो दरबान था, जो गार्ड था, जो सिक्योरिटी था, जो सब कुछ कुछ भी वहां पे पार्लियामेंट में प्रेजेंट था, थोड़ा सा भी योगदान दिया हो, जो पंखा चलाने वाला था ना, उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरी, माने एक आकार देने में इंसान परेशान हो जाता है, वहां पे आकार दिया है एक आदमी ने, बी.आर. राव अम्बेडकर जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पर्सनल लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब खुद की पर्सनल लिबर्टी, खुद की आजादी, कैसे, जैसे आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं, इसमें आप क्या समझाना। दूसरा है फॉरेन टूर, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, प्राइवेसी, मतलब आप अपना मोबाइल अपने पास रख सकते हैं। इसका बहुत मजेदार केस बताते हैं, क्या हुआ था कि 2017 में एक औरत रात को 11 बजे के बाद एक आदमी से बात कर रही थी, तो उसका पति बगल में सोया हुआ था, अचानक उठ के बोलता है कि क्या वो किससे बात कर रही हूँ, ये सब बात हुआ, तो ये क्या की, ये इस आर्टिकल 21 के अंडर जाकर पति के नाम पे केस कर दी। तो पति गुस्सा गया कि अरे मैं पूछ भी नहीं सकता, तो कोर्ट बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकती है, और राइट टू प्राइवेसी भी है, और जो वो कर रही है उसको छुपा भी सकती है। मतलब आर्टिकल 19 में हम राइट टू फ्रीडम पढ़े थे, आर्टिकल 21 में हम ये पढ़ रहे हैं जो आप किए हैं उसको आप छुपा भी सकते हैं। जैसे कि दो लड़का लड़की प्यार करता है, भाई अपना प्राइवेसी है, भाई दो लड़का लड़की छुपा के रख रहा है, घर वालों को नहीं बता रहा, अपने दोस्तों को नहीं बता रहा है, वो उसकी प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 के अंदर ये सब आता है। अब ये बहुत मजेदार है अडल्ट्री, अडल्ट्री क्या कहता है ना कि अगर आप अपने किसी भी पराए मत के साथ, मतलब आपकी शादी हो गई है, मतलब समझिएगा, चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम करके बता देता हूँ कि जैसे ये हस्बैंड है एच, ये वाइफ है। अब वाइफ अगर किसी के साथ, किसी अन्य पर्सन के साथ, मतलब मान के चलिए एक्स के साथ
प्यार में पड़ गए, ठीक है। वैसे वाइफ लोग एक्स के साथ बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाती हैं। चलिए फिर से वापस आते हैं, होता यही है कि वाइफ पड़ गई एक्स के प्यार में, फिर से उसको पुराना प्यार याद आ गया, फिर से उसको नया लगने लगा कि नहीं ये हस्बैंड को अब थोड़ा बेवकूफ है, हम गलती कर दिए, तो यहाँ पे प्यार में पड़ गई। अब इसके साथ इसका सेक्सुअल रिलेशन हुआ शादी के बाद, शादी से पहले क्या हुआ था उसका नहीं देखेंगे, शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशन हुआ। सेक्सुअल रिलेशन में होने के बाद हस्बैंड को आपको पता चल गया एक दिन कि साला एक्स इसके साथ आ गया है। अब क्या करेगा कि एक्स जाकर कोर्ट में हस्बैंड जाकर कोर्ट में बताएगा कि मेरी बीबी अभी अपने एक्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने लगी है। अब वहां पे कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, हस्बैंड प्रूफ भी कर दिया। तो क्या होता था पहले, क्या होता था कि सिर्फ एक्स को सजा मिलेगी, मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि ना एक्स को सजा मिलेगी ना वाई को डब्ल्यू को सजा मिलेगा, मतलब वाइफ को सजा मिलेगा, दोनों को सजा नहीं मिलेगा। होगा क्या कि कोर्ट बोलेगा कि भाई ये एडल्ट्री ये गलत बात नहीं है, ये लोग कर सकते हैं, इसमें उनकी पर्सनल वो मतलब प्राइवेसी के अंदर आता है, सॉरी राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाता है, फ्रीडम के हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इस बेसिस पे हम आपको डिवोर्स दे सकते हैं, मतलब आर्टिकल 13 के अंदर हम डिवोर्स दे सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, याद रखिएगा हिंदू मैरिज एक्ट। अब इसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हम इसे आर्टिकल 13 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं, तो वहां पर आप डिवोर्स ले सकते हैं, सॉरी आर्टिकल नहीं है 13, सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एडल्ट्री के केस में आप डिवोर्स ले सकते हैं। हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया, वो भाई अब किसी अपने एक्स के साथ अगर रिलेशन बना के अब वहां पे अगर वो चला जाए उससे शादी कर ले तो वो भी बात अच्छी बात है। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा देश है भाई, ये हमारा बहुत गलत था ही, क्योंकि एक्स की क्या गलती है भाई, गलती तो दोनों की है, तो दोनों को सजा मिलना चाहिए या दोनों को छोड़ दो। तो कोर्ट बोला कि दोनों को छोड़ दो, दोनों अपने मस्त रहे, अब सेक्सुअल रिलेशन बना लिए तो शादी करे कुछ भी करे उनका बात है, लेकिन हम इस बेसिस पे हम हस्बैंड को डिवोर्स दे देंगे। धन्यवाद, आर्टिकल 21 यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो पे, थैंक यू।